फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसे के बारे में, क्लिफ्टन की सैर। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अब जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की जानकारी आप तक पहुंच सके। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। कराची पाकिस्तान का सबसे अहम साहिल शहर है। साहिल समंदर से प्यार करने वाले लोगों के पास अरब समंदर के मुख्तलिफ साहिलों की सैर करने के बहुत से मौके हैं। तमाम जगहों में से क्लिफ्टन बीच सबसे ज्यादा मशहूर है, जो तफरीही और साहिल समंदर की सैर करने वालों को बेहतरीन तफरीही मौका फराहम करती है। क्लिफ्टन बीच समंदर के मुतबादल तौर पर जाना जाता है, जो कि साहिल समंदर की सबसे अहम और सबसे दिलचस्प जगह है, जहां आपको दिन और रात बहुत से लोग नजर आएंगे। कुछ लोग साहिल समंदर पर खेलने के लिए आते हैं और कुछ लोग ठंडी हवा के लिए आते हैं। कुछ साहिल के साथ चलना चाहते हैं, जबकि कुछ बहुत से दीगर तफरीही सरगर्मियों के लिए आते हैं, जिसमें से सबसे ऊपर खाने शामिल हैं। 20वीं सदी में क्लिफ्टन बीच कराची दुनिया की सबसे मकबूल जगह थी, लेकिन चंद साल कबल 2003 में साहिल समंदर में एक कार्गो जहाज से तेल फैल गया, जिसके नतीजे में चंद हफ्तों तक किसी भी इलाके में जाने का रास्ता ना था। समंदर के किनारे सदर टाउन के पड़ोस में वाकया है, जो शहर का मरकज है। समंदर के किनारे पर में सेवे अपार्टमेंट एक वक्फ रिहायशी इलाका है, जो शहर में सबसे ऊपर की खसूसियात में दर्ज है। इसके अलावा क्लिफ्टन साहिल समंदर के साहिलों के साथ बहुत सारे दूसरे अपार्टमेंट और विलास भी देख सकते हैं, जो सेवियो अपार्टमेंट के तौर पर मकबूल हो रहे हैं। दरख्शान विलास एक ही इसी तरह की रहायशगाह की मंसूबा बंदी है, जिसमें बहुत से लोगों की आंखें शहर में अपने ख्वाबों की रहायशगाह की तलाश में हैं। समंदर के किनारे सयाहों के लिए बहुत से पुरकशिश मकामात हैं, जिनमें खानदानों और हर उम्र के अफराद और दूसरे लोग शामिल हैं। वहां एक करीबी तफरीही पार्क है। साहिल समंदर पर लोग ऊंट की सवारियों और घोड़े सवारों वगैरह से लुत्फ अंदोज होते हैं, जो दरमियानी तबके के लिए बहुत सस्ता है। हाल ही में ट्राई बाई क्लिफ्टन साहिल इलाके में नए बिजनेस बन रहे हैं, जो साहिल समंदर पर इस हैरत अंगेज गाड़ी से लुत्फ अंदोज करने के लिए बहुत से नौजवानों को अपनी तरफ मुतवजा करती है। इस इलाके में एक और चीज शामिल है, जिसमें नॉर्थ में शुदा साइनप्लेक्स सिनेमा है, जो क्लिफ्टन और दफा हाउसिंग अथॉरिटी DHA के इलाके के रहायशियों के लिए गर्म जगह है। साहिल समंदर पिकनिक के लिए बेहतरीन जगह है, जहां आप अपना खाना खुद पका सकते हैं और डब्बों में मौजूद रेडीमेड खाना भी मिल सकता है। इख्तिताम हफ्ता, अवामी तातीलात या किसी भी बड़े त्यौहार पर साहिल समंदर पर खामोश और वह जगह ढूंढने के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। अगर आप अमर पसंद हैं तो साहिल समंदर पर लुत्फ अंदोज होने का बेहतरीन वक्त वो है जब साहिल पर कम रश हो। सयाहों के लिए क्लिफ्टन बीच बहुत जबरदस्त जगह है। इन रेस्टोरानों में खाने की पेशकश चाइनीज और कैंटीनल है, और पाकिस्तानी रवायती खाने भी पकाए जाते हैं। इसके अलावा समंदरी गजा भी एक खसूसियत है, और यहाँ पर पाकिस्तानी खाने मशहूर हैं। हर हफ्ते यहाँ पर नए रेस्टोरेंट खुलते हैं और यहाँ पर बहुत रश होता है। क्लिफ्टन साहिल के बाएं हाथ की तरफ पर मशहूर डोमिनियम मॉल है। ये एक मशहूर खरीदारी की जगह है, जिसका 2011 में इफ्तिताह किया गया था। मॉल खास तौर पर मकबूल है क्योंकि ये पाकिस्तान में सबसे ऊपर पैनल अक्वामी ब्रांड जैसे कि टेम्बरलैंड और मोमसूट वगैरह को मुतारफ कराने का पहला मॉल था। इसके साथ साथ आप अपने पसंदीदा पैनल अक्वामी फास्ट फूड फ्रेंचाइज तलाश कर सकते हैं। क्लिफ्टन बीच इस शहर की अहम खूबसूरती है, जिसको अच्छी तरह से बरकरार रखा जा सकता है और इसको महफूज रखा जा सकता है।
ज़्यादा नमी की वजह से करीबी अपार्टमेंट्स में कशीदगी के कुछ संगीन मसाइल हैं। क्लिफ्टन और डीएचए के इलाके के रहायशियों को ज़्यादा रेत बिस्तर की तरफ से कशीदगी के मसाइल से लड़ने की कोशिश की जा रही है। सिंध हुकूमत को इस मसले को हल करने की ज़रूरत है कि इन मसाइल को बेहतर बनाने और इन सयाहों और बाशिंदों के लिए भी बहुत ज़्यादा मफीद जगह बनाएं। तो दोस्तों ये था ऐसे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं मेरी और वीडियोज़ देखने में तो प्लीज़ आप इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। Please subscribe my channel. Thank you.